आज आपने सुरक्षा गार्ड को लेने से इनकार किया है, आपका स्टेटमेंट जारी हुआ है, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस के आदेशानुसार सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सुरक्षा गार्ड जो विश्वसनीय थे जी, उनको हटाकर जो राजनीतिक रूप से विरोधी राजनेता हैं उनके सुरक्षा गार्डों को हमारे यहाँ पदस्थ किया गया है। इन पे हमें कोई विश्वास नहीं है जी। ना उन्हें लाहौर क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान है जी, ना लाहौर की स्थिति से परिचित है, असमाज तत्वों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है जी। भिंड जिला एक संवेदनशील जिला है जी। यहाँ लोकसभा के चुनाव के दरमियान कांग्रेस के विधायक गोद श्री माखन लाल की जाटव की हत्या भी कर दी गई थी। पिछले चुनाव में 2013 में मेरे स्वयं के निवास पर असमाज तत्वों द्वारा गोली कांड करके हमला किया था। इन परिस्थितियों में हम ऐसे सुरक्षा कर्मियों को नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें वापस कर दिया है। और शासन ने डीजीपी का हो उस आदेश का अवैधानिक है, पूरी तरह से गैर संवेदनहीनता का आदेश है, क्योंकि इसलिए कि जब विश्वास नहीं है कि ऐसी सुरक्षा कर्मियों को रखने से, हमने पुराने जो हमारे थे उनको वापस ले लिया है, इसलिए मैंने पूरे सुरक्षा कर्मी जिनको नियुक्त किया गया था उनको वापस कर दिया है। और डीजीपी के आदेश अनुसार पूर्व से तैनात सुरक्षा कर्मी भी वापस कर दिए हैं। अब पूरी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की है, या शासन चाहे तो करे, अन्यथा जो शासन को कराना है, अगर शासन डीजीपी शासन सरकार के सहारे पर अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर वो विरोधी दल के नेताओं को कुचलने को दबाने की हत्या कराने का षड्यंत्र करते हैं, अगर किसी की कोई बात होती है जिसके लिए पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके आदेश दिया है। क्या आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? हम नहीं कह सकते, लेकिन संभावना कभी भी हो सकती है। भिंड जैसे ज़िले में वहाँ विधायक की हत्या हो सकती है, 3 महीने बाद हत्या कर दी गई, पूरा मामला सरकार ने खुर्दबुर्द कर दिया, तो जब क्या ज़रूरत थी ऐसे समय में, हटाना था तो पहले से हटा दे। इसलिए मुझे कोई विश्वास नहीं है, जो हमारे विरोधी में राजनीतिक दल हैं हमारे व्यक्तिगत उनसे मतभेद रहते हैं, उनके सुरक्षा गार्डों को हमारे यहाँ करना उचित नहीं समझा, और मैंने वापस कर